हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे स्लीव डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। कफ स्लीव भी बोल सकते हो आप इसको। ये देखिए, मैंने स्लीव ली है। यहाँ से जो शेप आती है हमारी कुर्ती में जॉइंट हो जाती है। और इसकी जो मैंने लेंथ ली है ना पूरी, मतलब हमने 18 इंच तैयार चाहिए तो हमने 19 इंच इसकी लेंथ ले ली है। ये हमारा बॉटम है, इतना ही बड़ा हमने ये कपड़ा लिया है। ये देखिए, डबल से है ये। और मैंने ना इसके ऊपर जो पतला वाला फ्यूजिंग पेपर होता है वो चिपका लिया है। ये इसकी लेंथ 4 इंच है और पूरा बराबर जो है हमारे इसके ही आएगा। तो जो डिज़ाइन बनाना है पहले हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और अपनी शेप देंगे हम कटिंग करने के लिए। तो इस तरीके से हम यहाँ से गोलाई देंगे। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के इतनी गैपिंग पे, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी गैप दी है, हम कटिंग कर लेंगे इसकी। कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब ना हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पे ना शेप पे हम एक लेस का यूज़ करने वाले हैं। ये लेस ली है मैंने, इसको हम कुछ उल्टा रखेंगे। इस तरीके से उल्टा रख के ना हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। अब मैं अपना स्लीव उठा लूँगी, स्लीव को इस तरीके से खोल लूँगी। यहाँ से हम इस तरीके से रखेंगे, मतलब उल्टा करके रखेंगे स्लीव को, बिल्कुल सेंटर करके। आप चाहें तो पहले पिनअप कर लें, फिर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। हमने जो लेस लगाई थी ना, उसकी सिलाई हमने नज़र आ रही है, उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे भी ना ये लेस लगा लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, पूरा है हमारा स्लीव डिज़ाइन। इसको बस साइड की सिलाई लगानी है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा रेडी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।